असल व्यूर्स जो मैं लेसन आज आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ जिसका मैं थीन, आज, आज आज आपके सामने डिस्कस करूंगा दैट इज द लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड बाई अनीस जंग तो शी वी वाज फीमेल राइटर एंड बॉर्न इन एंड दैट इज इन इंडिया

तो अनिस जंग ने जो अपना करियर वो एज अ राइटर इंडिया में शुरू किया शी हैड फॉर मेजर तो वो जो मेजर न्यूज पेपर्स थे अखबार या जो दूसरे रिसाले थे उनके लिए एज एडिटर मुजीर काम किया एंड एज ए कॉलमिस्ट और कुछ टाइम के लिए कॉलमिस्ट के तौर पे भी, भी काम किया कालम निकार इन इंडिया चाहे वो इंडिया में हो, एड़ एड़ और आउटसाइड में भी एंड हेज ऑथोर्ड बुक्स और उसने काफी कई किताबें लिखी हैं द फॉलोइंग फ्रॉम हर बुक टाइटल ऑफ लॉस्ट स्टोरीज इन चाइल्ड हुड और जो आपकी लेसन है दिस इज एन एक्सेप्ट एक इकतबास है जो इसकी बुक से निकाला गया है ऑफ द वेरी सेम टाइटल जिसका टाइटल भी यही है लास्ट सुप्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोल इन चाइल्ड हुड

काफ़ी छोटी उम्र में काम करने के लिए भेजा जाता है ड्यू टू तो पोवर्टी चाहे वो गरीबी हो और uh, ट्रेडिशन या कुछ रस्म रिवाज हो गलत uh, जो हैं जो हमारी uh, ये सोसाइटी में प्रवलेंट हैं विच कंटेमीज चिल्ड्रन जिनकी वजह से ये बच्चे मजबूर हो जाते हैं टू तो ए लाइफ ऑफ एक्सप्लाइटेशन एक इस्तेसाल और एक जिल्लत की जिंदगी मजबूर की मजबूरी की जिंदगी गुजारने पे, सो दिस वॉज ब्रीफ दिस प्रोफाइल ऑफ द राइटर अनीस जंग एंड नाउ वट आई एम गोइंग टू डिस्कस इज द थीम ऑफ द लास्ट लेसन थीम है इसका थीम है वो मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूं तो देर आर टू टू थ्री थीम्स मेजर थीम्स ऑफ तो so, जो थीम नंबर वन है एज वी नो स्प्रिंग द सीज़न ऑफ ब्लूम। हम जानते हैं कि जो स्प्रिंग है वो सीजन ऑफ ब्लूम है शासन बहारुक सीजन स्प्रिंग इज अ मैटरफॉर ऑफ चाइल्डहुड। और जो राइटर हैं उसने इस लेसन में सुप्रीम को एज 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 मेटाफर सुपरिंग इस्तेमाल किया है फॉर चाइल्डहुड जो बचपन है उसके लिए एंड इज एसोसिएटेड विद एवरी चाइल्ड एट द बिगनिंग ऑफ अ ब्राइट फ्यूचर और सुप्रीम को उसने एसोसिएट किया है विद एवरी चाइल्ड विद एवरी ह्यूमन एट द बिगनिंग ऑफ अ ब्राइट फ्यूचर जो हमारी जिंदगी की शुरुआत है फॉर अ ब्राइट फ्यूचर ताकि हम फ्यूचर में कुछ अच्छा कर सके हमारा फ्यूचर जो है वो ब्राइट बना सके मुस्तबिल को बेहतर कर सके द राइटर है दिस सुपरिंग इन दैट वेरी सेंस शायर ने इस सुपरिंग को उस हिसाब से इस्तेमाल किया है इट इज नॉट ए सुपरिंग इन द लिटरल सेंस। ये लिटरल सेंस में सुपरिंग नहीं है जो बाहर का मौसम है इट इज सुप्रिंग इन द मेटाफोरिकल सेंस जो शायर जो राइटर हैं उसने ये सुपरिंग किया है एज यूज एम्प्लॉय इन द मेटाफॉरिकल तशबिया या एलिगोरिकल सेंस में जो लिटरेचर में हम देखते हैं जो राइटर अक्सर तो इस्तेमाल करते हैं ऐसी चीज़ों चीज़ को चाइल्ड हुड इज एसोसिएटेड विद इनोसेंस जो बचपन है उसको एसोसिएट किया गया है वाबस्ता किया गया है विद इनोसेंस जो मासूमियत होती है फिज़िकल स्टैमिना जो इंसान का जिसम इस उम्र में बनना शुरू हो जाता है व्हेन वी अराव एट टीन एज एंड विटैलिटी एंड जो बचपू में सॉर्ट ऑफ विटैलिटी जो उनमें एक तरह की वो एक्टिविटी uh, या वाइब्रेंसी होती है शायर ने उस चीज़ को इसमें हाईलाइट किया है इट इज़ ऑल्सो द स्टेज फॉर गेनिंग स्किल और यही वो स्टेज होता है हमारी ज़िंदगी में जब हम कोई स्किल कोई चीज़ सीख सकते हैं कोई काम सीख सकते हैं एनी टाइप ऑफ स्किल एंड नॉलेज और हासिल कर सकते हैं लर्निंग uh, जो हमारी तलीम या पढ़ाई एंड गोइंग टू स्कूल एंड पर्टिकुलरली इट इज़ द एज वन वही स्टार्ट टू गो टू स्कूल जब हम स्कूल जाते हैं या जब बच्चों को स्कूल भेजा जाता है लास्ट स्प्रिंग बाई अनीज जंग इज़ ए डिस्क्रिप्शन ऑफ दोज पुअर चिल्ड्रन जो लॉस्ट स्परिंग है वो बाहर जो लॉस्ट हो गया जो ज़ाया हो गया इज द डिस्क्रिप्शन बयान है ऑफ दोज पुअर चिल्ड्रन उन गरीब बच्चों के बारे में हु आर कंड टू पोअर्टी जिनके मुकद्दर में जैसे गरीबी लिख दी गई हो एंड अ लाइफ ऑफ एक्सप्लाइटेशन और एक इस्तेसाल की जिंदगी एक मजबूरी की जिंदगी तो टू ऑफ चैप्टर जो इसके दो हैं मेन कैरेक्टर हैं इस लेसन के दैट साहिब आलम जो एक बंगलादेशी माइग्रेंट होता है इन नवदली एंड मुकेश बांग्लादेशी माइग्रेंट फैमिली दिल्ली इनके जो पेरेंट्स होते हैं दे वेर एक्चुअली बंग, बांग्लादेशी माइग्रेंट्स हु केम जूरिंग द नाइनटीन सेवेंटी वॉर जो उन्नीस सौ सत्तर का बांग्लादेश का जो जंग हुआ था तो उस टाइम दे हैव एट दैट वेरी टाइम दे हैव माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश टू इंडिया एंड आर बी सेटलड इन न्यू दिल्ली और उनको दहली में बसाया गया था केम जूरिंग बांग्लादेश से चाइल्ड हुड तो इन्हीं बच्चों के बारे में ये अपना चाइल्ड हुड अपना बचपन अपनी जो उनकी नौ उम्री होती है दे लॉस्ट दैट वाइल कैरिंग द बर्डन ऑफ पोवर्टी बिकॉज ऑफ द पोवर्टी क्योंकि उनकी जो फैमिली जो होती है दे वाई आर नॉट ऑफ उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो उतनी ज्यादा बेहतर नहीं होती सो दे देर फोर्स टू वर्क एट एन अर्लियर एज इसलिए उनको बचपन में ही काम करने के लिए भेजा जाता है एंड द नेक्स्ट रीजन इज इलिट्रेसी जो उनमें इलिट्रेसी या जो uh, नाखानद की होती है दैट इज वन ऑफ द रीजनज फॉर दिस वेरी इशू विद दिस चिल्ड्रन इन दियर इन दियर ब्लिक स्टोरीज ऑफ एक्सप्लाइटेशन इस लेसन में हम देखते हैं कि इन बच्चों या उनकी जो फैमिलीज हैं, उनको कैसे एक्सप्लाइट किया जाता है द तो ऑथर फाइंड ऑफ रेजिलेंस एंड होप लेकिन जो ऑथर है एट द एंड ऑफ दिस लेसन वेन वी लुक तो जब हम आखिर में देखते हैं दैट दिस चिल्ड्रन वन ऑफ देम वांट्स टू बी मोटर मैकेनिक एंड अदर वन वांट्स टू लर्न सम अदर जॉब तो जो राइटर हैं वो ही फाइंड्स ए ग्लिप्स ऑफ रेजिलियंस उसको इन बच्चों में एक रेजिलियंस एक हौसला या एक रेजिस्टेंस एंड होप और जो उम्मीद की किरण नजर आती है दैट दे विल फाइट विद दिस डार्क फेज ऑफ दियर लाइव एंड और राइटर जो है उसको उम्मीद हो जाती है डेट देयर फ्यूचर विल बी ब्राइट जो थीम सेकंड है इसका इन द द ऑथर अनवीर इज द अटल डेस्टिट्यूशन ऑफ रैग पिकर्स तो राइटर है उसने इस लेसन में जो डेस्टिट्यूशन जो हालत इजार ऑफ द रैग पिकर्स जो कोड़ा जमा करने वाले होते हैं ऑफ सीमापुरी और सीमापुरी के एंड बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद और जो बैंगल मेकर होते हैं जो वो बैंगल बनाते हैं उनकी हालत उनकी जो कंडीशन होती है उसको बयान किया है द द स्टोरी डिस्क्राइब अटल डेस्टिट्यूशन स्टोरी है वो उस चीज को बयान करती है करते हैं उनकी जो बिल्कुल हालत गैर होती है खराब होती है ग्राइंडिंग uh, पोवर्टी जो एक ग्राइंडिंग पोवर्टी वो ऐसी गरीबी जिससे वो निकल नहीं सकते एंड ट्रेडिशन वो रस्म रिवाज दैट कंपेल द चिल्ड्रन टू लिव लाइफ ऑफ अक्सप्ल जो इन बच्चों और उनकी जो जनरेशन होती हैं हुफ ऑफ डेस्टिट्यूशन पोवर्टी एंड मजबूरी की और जो ये तकलीफ की जिंदगी गुजारने पे मजबूर हो जाते हैं पर्टिक्यूलरली दीज चिल्ड्रन थीम थी जो, जो थर्ड थीम है इसका द थर्ड थीम फैक्ट इज अबाउट द दश्यूज रिलेटेड टू ह्यूमन माइग्रेशन जो थीम नंबर थर्ड है दैट इज रिलेटेड विद ह्यूमन माइग्रेशन

तो उसका सबसे ज्यादा जो है दैट हैव है इम्पैक्ट लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट एक ऐसा इम्पैक्ट जो फर्दर जनरेशन आने वाली नस्लों को भी भुगतना पड़ता है इन दिस लेसन एज वी हैव सीन इस लेसन में जैसा कि हमने देखा दैट दिसन वायर दिंग बांग्लादेशी माइग्रेंट्स ये जो बच्चे हैं दे वर द ऑफ दिंगसम्स औलाद ऑफ द बांग्लादेशी माइग्रेंट्स जो ये बांग्लादेशी माइग्रेंट्स होते हैं वो माइग्रेटेड टू पोवर्टी एंड वॉर जिनका जो माइग्रेशन होता है एंड तो वॉर जो जंग हो जाती है वहाँ sort of नो दे का मसला होता है इन ए न्यू लैंड एक नए मुल्क में एक नए इलाके में वे आर नॉट वेलकम्ड एज ए न्यू सिटीजन जहां पर किया जाता नो देव नीदर द र लैंड फ्रॉम दे केम नॉर एज दिटीजन ऑफ ए न्यू कंट्री अब वो एक ऐसे मुल्क में होते हैं जहां पे ना इनको वेलकम किया जाता है नीधर दे हैव द राइट्स ऑफ देयर ओन लैंड ना उनको अपने जो उनका असल में उनका वतन होता है ना वैसे राइट्स तो उनको मिलते हैं वायर दे केम नॉर एज द ऑफ न्यू कंट्री ना उनको एज न्यू सिटीजन कंट्री एक्सेप्ट किया जाता एक आज, uh, honestly, है एक नए मुल्क में एज एज शहरी एक्सेप्ट किया जाता है दिस ऑल्सो शोज द प्लाइट ऑफ दिस पीपल एंड ऑल द माइग्रेटेड पीपल इन द करंट वर्ल्ड ये जो है थर्ड वाला जो थीम है दैट इज यूनिवर्सल इन नेचर क्योंकि मोस्ट ऑफ द माइग्रेटिव पीपल इन द करंट वर्ल्ड आज की दुनिया में फेसिंग सच प्रॉब्लम और जो ऐसे मसले होते हैं जो ऐसे इफेक्ट होते हैं दैट द फर्दर जनरेशन ऑफ सॉ थीम ऑफ माइग्रेशन इज वन ऑफ द थीम इन द लेसन तो जब हम ये लेसन पढ़ते हैं तो हमें पता चल जाता है दैट वीड दैट माइग्रेशन इज वन ऑफ द थीम Uh, that uh, is in this lesson. After reading this lesson, we felt that the lesson shows the plight of thousands and lakhs of such children. The lesson hai, wo actually hai, that there are uh, lakhs uh, of children in Indian subcontinent India, Pakistan, Bangladesh that go through this situation. So, when we look current world, hai, to any country where there is war, there uh, evolves such situations, such issues for such children, and children have to go through these tough times. तो जैसा कि हम करंट वर्ल्ड में जब हम देखते हैं जो भी मुल्क जहाँ भी जंग या कोई दूसरा इशू हो जाए तो वहाँ पे बच्चों के साथ ऐसे मामले आ जाते हैं पर्टिकुलरली इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो गरीब मुल्क हैं जब हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखते हैं इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश तो हमें ये चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलती हैं तो इसके बाद नेक्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस इज द जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द लास्ट सुप्रिंग जो टाइटल है इस लेसन का

इंडिया in और पाकिस्तान जो एशियन सब कॉन्टीनेंट पर्टिकुलरली है इसमें जब हम देखते हैं तो मिलियज लाखों बच्चे ऐसे हैं हु कॉन्ट गो टू स्कूल जो स्कूल नहीं जा सकते एंड प्ले ग्राउंड और जो इनका बचपन जो है वो खेल कूद के बगैर ही रह जाता है जिनका काम सिर्फ कोड़ा चुनना है और इंडस्ट्रीज या जो हजार इंडस्ट्रीज हैं उनमें काम करना है, वायर है, तो जो है वो जिंदगी में बाहर की तरह आते हैं बट मिलियॉर्चुनेट चिल्ड्रेन लाइक साहिब एंड मुकेश वेस्ट देर स्प्रिंग ईदर स्कोर इन दार्बेज डॉस और ऑफ़ uh, सेमापूरी और वेल्डिंग गिलास बैंगल्स इन द ब्लास्ट फर्नेस ऑफ फ़िरोजाबाद लेकिन हजारों लाखों बच्चे ऐसे हैं लाइक साहिब एंड मुकेश जिनकी जिंदगी ज़ाया हो जाती है वो चाइल्ड हुड गॉड लॉस्ट या तो वो गारबेज जो कोड़ा चुनने में है ऑफ सीमापुरी जैसा कि इसमें हम देखते हैं और वेल्डिंग बैंगल या वो बैंगल्स बनाने में इन द ब्लास्ट फर्नेस ऑफ फ़िरोजाबाद जैसा कि इस लेसन को देख हमें पता चलता है दैट

दिस टाइटल इज एप्ट एंड सुटल टू दिस लेसन टू द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिसन अबाउट वाट एक्चुअली इज तो जो ये एक दो चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस थी एक दो थीम था इसका दैन दियर इज द टाइटल इनशा अगले लेक्चर जो आने वाला है उसमें हम ये पूरी लेसन एक्सप्लेन करेंगे फ्राम द वेरी टेक्स्ट बुक तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और अगर आपको लग रहा है कि आपको इस आप इससे आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा हो रहा है आपको लग रहा है कि आपको कुछ फ़ायदा पहुंच रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और अपनी व्यू दीजिए